नमस्कार मित्रों, मैं अनुज वत्स आप सभी का प्रॉपर्टी ज्ञानम चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, आज का भी टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है और इससे क्लियर होगा कि जमीन के प्रकार के अलावा जमीन में जोन कितने होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जोन के ऊपर। जमीन के अंदर देखेंगे दोस्तों, पूरे इंडिया में, पूरे अगर किसी सिटी में जाएंगे, पूरे स्टेट में जाएंगे तो आपको दिखेगा अलग अलग जोन में प्रॉपर्टी बटा हुआ रहता है, जमीन बटा हुआ रहता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। इसमें हर एक स्टेट का अपना अपना रूल होता है, कुछ जोन का परिभाषा कहीं कुछ और होता है, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो झारखंड से रिलेटेड थोड़ा बहुत होगा। तो हमारे बीच हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर सुमित साई जी। तो हम अब आगे बढ़ेंगे सर के साथ। सुमित सर, नमस्कार। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर हम लोग आपके सामने लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के, जिसमें कि आज हम आप लोगों को जोन के बारे में बताएंगे। तो जोन के बारे में कुछ ऐसा है कि जनरली लोगों ने जो सुना हुआ है वो ग्रीन जोन, ग्रीन जोन, ग्रीन जोन सुनते हैं हमेशा कि ये ग्रीन जोन है, ये लैंड कहीं पता कर लेना ये ग्रीन जोन में तो नहीं है, इस तरह का आपने सुना होगा, सब लोग बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जोन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं ज्यादातर, रेड, येलो, रेड और ग्रीन। तो येलो जोन जो है उसके बारे में थोड़ा मैं पहले आपको बता दूं। येलो जोन जो है एक ऐसा जोन में किसी शहर में कोई एरिया बटा होता है जिसमें कि आप इंडिकेट करते हैं कि ये वाई जोन में आएगा, ये रेड जोन में आएगा, ये ग्रीन जोन में आएगा। वाई जोन का मतलब हुआ कि ऐसा जगह, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा जगह जहां पे आप मतलब कि सेमी कमर्शियल, मतलब रेसिडेंशियल कम कमर्शियल, आप वहां पे एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह कि मेन रोड से लगा हुआ कोई अपार्टमेंट है जिसके नीचे में आपको ये कहते हैं आपको केमिस्ट की दुकान या ग्रोसरी स्टोर वगैरह ये सब टाइप के स्टोर है, ऊपर में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, ठीक है। तो इस टाइप मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रेड, येलो या फिर ग्रीन जोन की बात कर रही है, ट्रैफिक से रिलेटेड ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं, ट्रैफिक से रिलेटेड नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है कि अब कि इस तरह से जोन बटा हुआ है। छोटे शहर में देखा क्या गया है, जैसे कि जो बी ग्रेड सिटी है, टाउन है, उस समय क्या देखा गया ना कि इन सब चीजों का उतना ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं और गवर्नमेंट भी उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती है इस चीज को, इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ऐसे आप देख सकते हैं कि रांची जैसे शहर में या पटना से शहर सब में कहीं पे कुछ भी आपको मिले, कोई उसके लिए कोई बाइंडेशन नहीं है, लेकिन जोन तो बटा हुआ होता है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्रियल जोन में जाकर के कोई रेसिडेंशियल नहीं बना सकता है, रेसिडेंशियल जोन में आप जैसा देखते हो कि इंडस्ट्रियल नहीं बना सकते। जैसे अपना रांची में कोकर इंडस्ट्रियल एरिया है, आपने वहां देखा नहीं होगा, डिवाइड कर दिया जाता है किसी भी शहर में कमर्शियल कहां पे आएगा, रेसिडेंशियल कहां से आएगा, ग्रीन जोन भी है, ग्रीन जोन में आया। इस चीज का फॉलो जो है छोटे बी ग्रेट टाउन में थोड़ा स्ट्रिक्टली नहीं होता है, बड़े शहरों में अच्छे से फॉलो होता है। उसके बाद रेड जोन पे आते हैं। रेड जोन जो है आपको जिसमें कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पब्लिक एक्टिविटी की, जैसे कि स्कूल हो गया, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, टेम्पल हो गया, कोई गुरुद्वारा हो गया, इस सब टाइप का जो रिलीजियस एक्टिविटी है या पब्लिक से रिलेटेड जो है उस एरिया में प्रायः बनाना की अनुमति दी जाती है कि आप यहाँ पे हाँ मंदिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेड जोन को डिफाइन किया। कहीं कहीं आपको इंडिया में रेड जोन अलग शहरों में बदल भी जाता है, जैसे कि आप एक एग्जांपल लेंगे महाराष्ट्र में पुणे में अगर रेड जोन की बात करें तो रेड जोन जो डिफेंस एरिया होता है उसको वो लोग रेड जोन से डिफाइन करते हैं। तो ये सब जगह कहीं कहीं बदल भी जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड तौर पे जो मायने हैं रियल एस्टेट के टर्म से वो येलो और रेड जोन के यही है। अब आते हैं ग्रीन जोन, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है और हम लोग ज्यादातर सुनते हैं इसके बारे में। तो ग्रीन जोन एक ऐसा एरिया होता है कि गवर्नमेंट उस एरिया को ग्रीन जोन डिक्लेयर जब तक की हुई है तब तक आप उसमें कोई भी रेसिडेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसमें मतलब कि आप उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप फार्म हाउस बना सकते हैं,
अगर आपका जमीन है तो उसमें थोड़े एरिया में आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, थोड़े में आप अपना छोटा सा रहने के लिए अपना रूम बना लिए, दो तीन कमरों का रूम बना लिए, तो वो फार्म हाउस बना सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। कभी भी इसी चीज का हमें ध्यान देना है कि कभी भी आज के डेट में जैसे जैसे शहर का एक्सपेंशन होते जा रहा है तो लोग आबादी जो है गांव की तरफ बढ़ रही है। मतलब अब रांची से 20-25 किलोमीटर आप इधर चले जाइए, मांडर की तरफ चले जाइए और माची की तरफ चले जाइए, तो उधर अगर आप बढ़ते चले जा रहा है तो हम लोग को अब जमीन लेने से पहले इस चीज का ध्यान जरूर देना चाहिए कि वो एरिया जो है ग्रीन जोन में आता है कि नहीं आता है। मुझे क्योंकि अगर आप वो ग्रीन जोन में अगर वो एरिया आता होगा तो अगर आप उसमें परचेज करते हैं तो इन फ्यूचर आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो कैसे फाइन करें सर हम जो ग्रीन जोन है इसका? गवर्नमेंट का हर एक साल गवर्नमेंट जो है एक सर्वे करती है और सर्वे करने के बाद में हर एक जगह का एरिया का अपना एक मैप तैयार करती है और एरिया डिफाइन करती है कि यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन जोन है, यहाँ से यहाँ रेजिडेंशियल है, यहाँ से यहाँ तक ये कमर्शियल है, इस तरीके से वो करती है। तो आप जैसे इस बार के सर्वे में ओरमांझी जो ब्लॉक है वो ब्लॉक का मतलब कि आप समझिए तो नियर अबाउट 50 से 60% जो गांव उसके अंदर में आते हैं, 50% के अप्रोक्स में मान लीजिए, जो कि आज के डेट में रेजिडेंशियल एरिया में आ गए हैं। ठीक है, बात बाकी के सब एग्रीकल्चर में जब आप ये भी तो पहले ग्रीन जोन में आता है, ग्रीन जोन में आता है, इसको कन्वर्ट कैसे करवाया? ये कन्वर्ट गवर्नमेंट जैसे कि क्या है कि गवर्नमेंट खुद कन्वर्ट करती है। ठीक है, जैसे इस बार सर्वे हुआ, सर्वे में देखा गया कि भैया वहां पे कितने लोगों की आबादी बसी है इन एक सालों में, किस तरह से वहां पे जाने का रोड रास्ता है कि नहीं, कनेक्टिविटी अगर अच्छी है, तो ऐसे केस में उस एग्रीकल्चर लैंड को जो एग्रीकल्चर लैंड होता है या जो ग्रीन जोन होता है उसको रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। अगर सपोज मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आप कहीं पे जमीन ले रहे हैं जो कि ग्रीन जोन में अभी आ रहा है, लेकिन आपका जो प्रपोजल है हो सकता है कि वहां पे कोई छोटा सा इंडस्ट्रीज लगाने का, तो आप डीसी से परमिशन लेकर के और डीसी को पूरा प्रपोजल देकर के कि हाँ सो एंड सो इस प्लेस पे हमारा जमीन है और यहाँ से यहाँ तक का भी रास्ता बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक रास्ता नहीं है, ये रास्ता के लिए जमीन भी हम लोग भी निकाल करके दे रहे हैं क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप करना है, और वो सारा सर्वे करेगा डीसी, सारा लीगल चेक करेगा, अगर सब कुछ ओके रहा तो ऐसे केस में वो परमिशन देके उसको कन्वर्ट कर सकता है, आप उस जमीन को फिर मतलब रजिस्ट्री ले सकते हैं, ग्रीन जोन से बाहर करके रजिस्ट्री ले सकते हैं। सर कहने का है जो अगर आप कहीं ग्रीन जोन में प्रॉपर्टी बाइंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले वहां सर्वे कर लें। हाँ, सर्वे आप खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन उसको बदलने में थोड़ा सा आपको मशक्कत करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीजों में ना पढ़ना चाहते हैं तो पहले से ही डिफाइन कर ले जो ये ग्रीन जोन नहीं होता क्या है ना कि कई बार क्या कहते हैं कि ग्रीन जोन में एग्रीकल्चर करके जमीन बहुत लोग रजिस्ट्री करा लिए, एग्रीकल्चर रजिस्ट्री करा लिए और उसके बाद फिर बहुत ऐसा अभी भी जमीन है जहाँ पे रोड सब कुछ गया हुआ लेकिन वो एग्रीकल्चर नहीं आता है, रजिस्ट्री को करा लिए, कल को वहां पे घर बनाने लगे, घर बना के रहना शुरू करें। हो सकता है कि अगल बगल का कोई भी आदमी या कोई पड़ोसी आपका कंप्लेन कर दे कि ये एग्रीकल्चर एरिया जिन्होंने घर बनाया, रेजिडेंशियल घर बनाया, तो ऐसे केस में आप फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि ग्रीन जोन के बारे में सर ने बताया, तो होता क्या है अगर आप कोई बिल्डर को देखेंगे तो वो बल्क में जमीन खरीदते हैं एग्रीकल्चर जमीन को, उनको कन्वर्ट करवाना होता है ग्रीन जोन के अंदर, ग्रीन जोन से आपको रेसिडेंशियल में। तो अगर आप छोटा प्लॉट बाइंग कर रहे हैं 5 डिसमिल या 10 डिसमिल या 15 डिसमिल, तो इन सब चीज़ों में ना ही पड़े तो बेटर है पहले चेक कर ले ग्रीन जोन के बारे में। सुमित सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, डिफाइन कर लेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ना पड़ेगा। और आगे बात करते हैं सर के साथ, आगे बस अब यही कहना चाहेंगे हम लोग कि आज के लिए बस इतना ही जोन के बारे में। मुझे लगता है कि आप ये हमारे दर्शक समझ गए होंगे भी कैसा क्या है। कल हम लोग एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत लोगों को सर्किल रेट का नॉलेज नहीं होता है कि सर्किल रेट क्या होता है और प्लस रजिस्ट्री। आजकल पूरे झारखंड में आपको पता होगा गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई हुई, गवर्नमेंट का जो स्कीम आया है 1 रुपए में रजिस्ट्री, बहुत लोग 1 रुपए में रजिस्ट्री 1 रुपए में रजिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन क्या उसकी हकीकत क्या है इस सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे और उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, उसमें बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिलेगा और जिससे आपको रजिस्ट्री में एग्जैक्ट खर्चा कितना आ सकता है एक प्रॉपर्टी का, वो सबकी भी जानकारी पूरे डिटेल में दी जाएगी। तो इसी के साथ मैं थैंक यू।
थैंक यू सो मच एवरीवन। कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रजिस्ट्री। जमीन खरीदने के बाद जो सबसे मेन प्रोसेस है, सबसे जो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉपर्टी आने वाला है वो रजिस्ट्री के बाद ही आने वाला होता है, तो मिस ना करें कल का वीडियो, जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ओके, थैंक यू सो मच।